हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्निकल बाय संदीप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 पिन रिले की। तो ये जो रिले है किस तरह वर्क करता है, इसकी कनेक्शन कैसे कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने लिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं इस पिन के नंबर की बात कर, इस पर नंबर दी होती है, जैसे कि इस पिन की कौन सी पिन में अर्थिंग जाती है, कौन सी पिन में फेस जाती है, किससे आउटपुट निकलती है, किससे इनपुट जाती है, ये सारी चीज़ें नंबर के माध्यम से बताया जाता है। तो इस पे 30 दी होती है, इस पे 85, इस पे 86 और इस पे 87। ठीक है, ये जो 30 होती है, 30 और इसमें से जो 86 होती है, ये होती है हमारी 12 वोल्ट की इनपुट। उसके बाद हमारी आउटपुट निकलती है 87 नंबर से और अर्थिंग 85 नंबर में दी जाती है। ठीक है, तो हम इसको पहले, हमारे पास वायर है, पहले इसमें वायर अच्छी तरह से लगा लेते हैं। ये वायर है, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, हाँ कैसे इसकी कनेक्शन होती है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो फटाफट मैं इसमें पूरा वायर डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये है, ये 30 नंबर के वायर, देखिए जो मैंने 30 बताया था ना, ये सीधा बैटरी के पॉजिटिव से चली गई है। ठीक, बैटरी पॉजिटिव हो गई है। और ये जो 27 नंबर की वायर है, इससे आउटपुट निकलती है, तो हमने एक बल्ब में लगा दिया है। ठीक है, इसमें लगा देंगे। उसको जो ये वाली वायर है, आप इसको कहीं भी बॉडी दे सकते हैं, या तो आप अगर बाइक में लगा रहे तो ग्राउंड दे दीजिए बॉडी से, या तो इसमें दे दिए, तो चलिए हम इसी में दे देते हैं। ठीक है, अब हमारी वायर एक बची, अब इसमें क्या जाएगी, ये ध्यान देने वाली बात है। ये है जैसे कि हम जब स्विच प्रेस करते हैं, ऐसे जब स्विच दबाते हैं, तो स्विच दबाने के बाद हमारी जो वोल्टेज आती है, या अगर अब अर्थिंग आती है तो इस वाले स्विच से कनेक्ट करेंगे, अगर 12 वोल्ट आती है तो इस वाले स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे स्विच दबाते हैं, 12 वोल्ट निकल के इस वायर में आती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्विच नहीं है, तो हम समझ लीजिए यहाँ से लगाते हैं तो स्विच दबाते हैं करता है। ठीक है, अब इस पे डबल हार्न की कनेक्शन कैसे होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने हार्न भी लेकर आया है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मिंडे का हार्न है, अच्छी साउंड देगी। तो इसकी क्लिप फटाफट लगा लेते हैं। अगर आप दो हार्न लगाते हैं तो मान लीजिए एक हार्न में से ऐसे क्लिप निकालेंगे, ठीक, और जो दूसरा हार्न रहेगा उसमें से दो वायर निकलेगी। ठीक है, दोनों वायर को आप पैरेलल कनेक्शन कर लीजिएगा। जैसे पैरेलल का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हुआ है, देखिए ये जो समझ लीजिए, ये भी एक हार नहीं है, इसमें से दो वायर निकला है, एक हार नहीं इसमें से निकला, देखिए एक हार नहीं इसमें से, इसमें से। ठीक है, तो इसमें हम कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कि जो आउटपुट जो निकल रही थी रिले की, आउटपुट रिले का आउटपुट एक वायर में दे देंगे, मतलब हारने के वायर में एक दे देंगे ये वाली आउटपुट। ठीक है, और उसको अब बची एक और वायर, ये वाली हर में से दो वायर निकलती है, एक से मेन 12 वोल्ट जो आउटपुट निकल रही है रिले से, उसका 12 वोल्ट दे देंगे दोनों हारन के तार में। जैसे एक हार नहीं हो गया और एक हार नहीं हो गया दोनों। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 वायर है, ये हारन की है और इधर वाली हारन की है। ये वाली जो आउटपुट रिले से निकल रही है 12 वोल्ट, उसमें लगा देंगे। ठीक, अब हमारे पास फिर बची हारन की एक वायर, और मतलब दोनों हारन की एक वायर बच गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों हारन के एक वायर ले आके अर्थिंग दे देंगे, या तो बॉडी से दे दे या तो आप बैटरी से दे, मानो कहीं से भी आपको अर्थिंग देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब अर्थिंग दे चुके, अब देखिए अभी हमारे पास क्या है, ये स्विच है, जिससे आपको बताया ना कि ये स्विच जैसे स्विच प्रेस कर सीज पाती है। अब देखिए आप इधर भी देखिएगा, ये भी जलेगी और आवाज़ भी देगी एक साथ। देख लिए ना, तो ऐसे वर्क करती है। ठीक है, आप तो मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कनेक्शन, अगर आपको बाइक में करनी हो तो आप कैसे करेंगे, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, आप बिल्कुल ये डायग्राम देखकर आप अपने बाइक में डबल हार्न लगा सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन हम एक एक पॉइंट कवर करते हैं, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। हम नहीं चाहते कि अधूरी जानकारी किसी को दें, क्योंकि अधूरी जानकारी जानलेवा होती है। ठीक है, तो देखिए ये बैटरी का माइनस पॉइंट है, बॉडी अर्थिंग हो गई। ठीक है, यह दो डबल हार्न है,
इसकी और इसकी एक पॉइंट अर्थिंग दे देंगे, ठीक हो गई। अब आपको पता है जब हम स्विच प्रेस करते हैं तो अभी आप मान लीजिए इग्निशन स्विच है, चाबी ऑन करते हैं तो इग्निशन स्विच से दो वायर निकलती है, एक बार फिर से होती है सारे जगह चली जाती है। तो मान लीजिए एक बार इस पर चली गई, हम इसको रेड कलर दिखा दें, एक बार स्विच में चली गई, ठीक है। जैसे स्विच पर प्रेस करते हैं इसमें से जो वायर निकलती है, ठीक है, इस वायर क्या करेंगे 86 नंबर पे ऐड कर देंगे रिले के, ठीक। और उसको से एक मान लीजिए बॉडी से अर्थिंग हो ही गई, बॉडी से अर्थिंग ला के इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो 87 नंबर की वायर जो निकलेगी उसको ला के इस पर कनेक्ट कर देंगे, 87 नंबर की वायर हार्न पे दे देंगे, और एक और जैसे ये वाला एक साथ कनेक्ट है, ठीक है, 87 नंबर को हार्न पे दे देंगे, ये बॉडी अर्थिंग है, ठीक है। अभी 87 नंबर हार्न पे दे देंगे, इसमें 12 वोल्ट आती है और एक हमारी 12 वोल्ट बैटरी चली जाती है, इस पे बैटरी चली जाती है, ठीक है। हमारी सर्किट हो गई पूरा, और ये है इसको हम बैटरी से अर्थिंग इसको दे देंगे, चाहे इसको बैटरी से अर्थिंग दे दे, चाहे इससे अर्थिंग दे दे, कहीं से भी अर्थिंग दे देंगे, ये हमारी काम करने शुरू कर देगी। तो बस इतना ही होता है इसमें, और कुछ करना नहीं है आपको। सीधा बैटरी की जो 12 वोल्ट है 30 नंबर में दे देनी है, और 87 नंबर को निकाल के सीधे हार्न की दो क्लिप होती है उसमें लगा देनी है, एक अर्थिंग दे देनी है, और जो स्विच जैसे चाबी ऑन करने के बाद जैसे 12 वोल्ट चली जाती है हार्न स्विच में, तो हार्न स्विच से एक वायर निकलती है जो हार्न में लगी होती है, उसको उखाड़ के हार्न से 86 दे देंगे, 86 देने के बाद रिले वर्क जैसे हार्न दबा रिले काम करना शुरू कर देगी, फिर रिले काम करेगी, 87 से करंट निकलेगी अपनी 12 वोल्ट हार्न में आ जाएगी, बस हो गया। इसी तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हमको पता है कि अर्थिंग ऑलरेडी हमारे पास होती है हीरोना बाइक में, ठीक है। जैसे हम स्विच प्रेस करते हैं तो उधर से हमको फेस मिल जाती है, यानी कि 12 वोल्ट मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये हो गया, जैसे मान लीजिए जब हम स्विच प्रेस करते हैं तो एक वायर में 12 वोल्ट आती है इसमें, और इसमें अर्थिंग आ जाती है, ठीक है, जिससे हमारी हार्न ऑन हो जाती है। तो जो स्विच की बस सारी वर्किंग इसी तरह रहेगी, ठीक है, सारी वर्किंग इसी तरह रहेगी। जैसे ये जो आउटपुट गया था इस हार्न में लग जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें आप एक हार्न में दे देंगे, जैसे मान ली दोनों हार्न का वायर एक ही में रहेगा, इसमें दे देंगे आउटपुट को 27 नंबर वाले को, 87 नंबर वाले को, और एक हार्न की जो अर्थिंग है वो अर्थिंग आप कहीं से भी दे सकते हैं। हार्न की अर्थिंग देखिए, एक तो अगर आप सादा जिसमें रिले नहीं लगी है जिस बाइक में, उसमें आप देखेंगे तो अर्थिंग एक आ ही रहती वायरिंग से, ठीक है, तो उसको नहीं देना है आपको, अलग से हार्न की एक अर्थिंग लेकर आप कहीं से भी बॉडी इसको दे दें। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसे लोहे की बॉडी में टाइट कर दिया, ठीक है, ये 12 वोल्ट इसको दे दिया आउटपुट, ये 30 नंबर की वायर पे 12 वोल्ट अर्थिंग इनपुट गई है, अब बची ये वायर, ठीक है। अब इस वायर को क्या करेंगे हम, इस वायर पे जो स्विच जैसे हम जो ऐसे प्रेस करते हैं हैंडल पे लगी होती है, ऐसे स्विच प्रेस करते हैं उसमें दो वायर होती है, तो एक वायर में 12 वोल्ट आती है, उस वाले 12 वोल्ट वायर को इस पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और जो दूसरी वायर है उसको 85 नंबर वाले में जो मैंने इसको अर्थिंग दिया है उसको अर्थिंग वाले में लगा देंगे। आपको पता है इसमें एक अर्थ फेस होती है, तो अर्थिंग वाले को 86 पे लगा देंगे, सॉरी 85 पे, और जो ये वाली होती है 12 वोल्ट जिसमें आती है उसको 86 पे लगा देंगे। बस आपको इतना ही करना है, बाकी सारा वर्क करने लगेगा। जैसे मान लीजिए सारा हो गया, अब जैसे मान लो 86 वाली उसको लगा दिया, जैसे हार्न दबाएंगे, जैसे हार्न प्रेस करेंगे, बस ऐसे आवाज देगी, ठीक है, ठीक है, इस तरह होगी। अब बात है डबल हार्न की, तो आप एक हार्न इस पे और एक हार्न ऐसे दे देंगे, ठीक है, इस तरह डबल हार्न कनेक्शन हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी प्रकार का तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।